चलते हैं बिहार के सीतामढ़ी, जहां पर अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। स्पष्ट कर देता हूं, मोदी जी ने 500 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे, बाबर के जमाने में राम मंदिर को तोड़ा गया। मुझे बताओ सीतामढ़ी वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी जदयू ने सपोर्ट किया, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कई साल तक राम मंदिर के प्रश्न को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को बिहार वालों आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और मित्रों, वहां मोदी जी ने नारा दिया वो जय सियाराम का दिया। संघर्ष का नारा जय श्री राम था, मोदी जी ने आके मां सीता को जोड़कर भक्ति और समर्पण का नारा दिया जय सियाराम। और भाइयों बहनों, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, लालू जी, इनके बेटे खड़गे जी, राहुल बाबा, सबको निमंत्रण दिया गया, कोई नहीं गया। आप सीतामढ़ी वालों पूछना जरा, क्यों नहीं गए मालूम है? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ, अब काम बाकी है मां सीता की जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का। और ये जो अपने आप को रामलल्ला के मंदिर से दूर रखे हैं, वो नहीं बना सकते। सीता माता का भव्य, उनके त्याग, समर्पण, तपस्या और आदर्श पूरे देश की महिलाओं के रखने वाले जीवन का, इनके अनुरूप स्मारक अगर कोई बना सकता है, मंदिर कोई बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। सीतामढ़ी से अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बार फिर निशाना साधा है कांग्रेस, आरजेडी और तमाम विपक्षी दलों पर। उनका कहना है कि